अच्छा व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आलू गोश्त का शोरबा तैयार कर रहे हैं। ये देखें, हांडी में हमने ऑयल ऐड कर दिया था, प्याज ब्राउन करके हमने निकाल ली थी। अब उसी ऑयल के अंदर हम साबित गरम मसाला वो शामिल कर देते हैं। ये देखें, साबित गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च, ज़ीरा, तेज, इन सबको मैंने एक साथ ही डाल दिया ताकि हमारे शोरबा की खुशबू अच्छे से आए। उसके साथ में हम, ये देखें, पेस्ट नहीं बनाया, अदरक लहसुन और दो तीन हरी मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था, कूट लिया था, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके साथ हम ये गोश्त भी शामिल कर देते हैं। गोश्त मैंने एक पाव जितना लिया हुआ है, आप कम या ज़्यादा वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखें, हमने गोश्त को बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अच्छे से फ्राई करेंगे पहले और दो तीन मिनट तक हम कवर कर देंगे ताकि गोश्त का पानी निकल आए। और इस गोश्त के पानी में ही ये हमारा शोरबा अच्छा तैयार होगा, हमने कोई पानी भी ऐड नहीं किया। उससे पहले हम इसके साथ टमाटर भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा गोश्त का शोरबा अच्छा से बन जाए और खुशबू भी अच्छी आएगी। आप इस मेथड से बनाइएगा, आपको आलू गोश्त की का शोरबा बहुत ही पसंद आएगा। अब हम साथ में टमाटर भी ले लेते हैं, वो शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने चार अदद लिए थे, ये देखें बिल्कुल चॉप की तरह हमने काट लिए हैं। अब इनको मिक्स करेंगे। और कवर कर देंगे ताकि टमाटर और गोश्त के पानी में ही ये अच्छे से पक जाए। 10 मिनट बाद हम देखते हैं। अब 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब देखते हैं। ये देखें, टमाटर और गोश्त के पानी में ही हमारा ये बिल्कुल ही बन चुका है। टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम मसाले भी ऐड कर देते हैं। मसाले में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, इन सबको मैंने एक साथ डाल दिया। अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं ताकि मसाले गोश्त में और टमाटर में अच्छे से जज्ब हो जाए और अच्छा सा टेस्ट हमारे गोश्त का आए। अब हम प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी हुई थी उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, अब दही में हम मिक्स करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे साथ में। कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जितना दिखने में अच्छा है उतना खाने में तो इसका लाजवाब टेस्ट है। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये देखें। अब हम दही और प्याज को दोनों को मिक्स कर लिया था, अब हम ये डाल देंगे। ऐसे आलू गोश्त का शोरबे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। आप मेरे अंदाज से बनाइएगा, मेरे मेथड से आपको बहुत ही पसंद आएगा। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे ताकि दही के पानी में ही ये हमारा गोश्त थोड़ा बन जाएगा। हमने आप देखा कि कोई भी पानी हमने ऐड नहीं किया। 5 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। ये देखें माशाल्लाह कलर कितना लाजवाब आया है, ऑयल हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाला हमारे गोश्त में अच्छे से जज्ब हो चुका है। अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके 30 से 25 मिनट हम इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गोश्त हमारा गल जाए। अब हम
25 से 30 मिनट हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। हमने 30 मिनट तक छोड़ दिया था, हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, ये देखें पानी बिल्कुल ही गल चुका है और हमारा शोरबा अच्छे से लग रहा है। कलर दिखने में जितना अच्छा है उतना खाने में टेस्ट उसका लाजवाब है। अब हम आलू भी ऐड कर देते हैं। आलू के साथ हमने ये हरी मिर्चें, इसको भी हमने मैंने साथ में ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसका। आलू गलने में आपको पता है कि टाइम नहीं लगता आलू को गलने में, तो हमने हरी मिर्च भी साथ में हमने डाल दी। अब 10 मिनट तक हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। अब देखते हैं, माशाल्लाह कलर देखें कितना इसका अच्छा आया है। उम्मीद है कि आपको ये आलू गोश्त की शोरबे की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे बताइएगा। 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे हमने छोड़ दिया था। अब बिल्कुल हमारा ये देखें बिल्कुल ही तैयार है आलू गोश्त का शोरबा। ये देखें बिल्कुल ही हमारा पानी की तरह बन चुका है। आप सर्व कर देते हैं। आपको आलू गोश्त की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको हर तरीके की नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आलू गोश्त का शोरबा अगर बनाना चाहें तो आप इस मेरे स्टाइल से मेरे मेथड से बनाइएगा ताकि आपको पसंद आएगा। आप इस तरीके के बनाएगा आलू गोश्त का शोरबा तो आपको ज़रूर इसका टेस्ट और जायका अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।